दोस्तों ये है वो पार्ट्स वाले दुकान, यहाँ पर देखिए मारुति सुजुकी जेनिस पार्ट। और यहाँ से गैरेज के लिए चले गए, कभी चलते गैरेज की तरफ। ये है गैरेज, तो गैरेज की तरफ ये गाड़ी सामने खड़ी है, तो अब यहाँ पर काम होगा। अभी आ गया हूँ मैं इस गैरेज में और यहाँ पर सेट मिल चुका है, तो मैं आपको दिखाता हूँ सेट किस तरह का होता है। तो दोस्तों ये है वो कैलिबर सेट्स, इसको जो आवाज़ कर रहा था लेफ्ट साइड में और राइट साइड में भी, तो इसको बदली करना है। तो आप देख सकते हैं इसको ये वाला है, वो देखिए पैड पूरा से मिली है पूरी यानी वाली। ये चेंज करनी है, शोरूम में अवेलेबल नहीं थी तो यहाँ पर स्टोरेज में अवेलेबल है, तो आप देखते हैं किस तरह लगती है यहाँ पर। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर कैलिबर सेट नया लग गया है, देखिए अभी सेटिंग होगी पूरी अभी। तो भैया लग गया कैलिबर, तभी और देखिए क्या क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो ये है उसका डब्बा जिसमें कि ये पूरा सेट आया था, देख सकते हैं ओरिजिनली है यहाँ पर। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या, अभी पूरा चेक करेंगे अभी। दोस्तों ये ब्रेक ऑयल है, जब इन्होंने कैलिबर चेंज किया तो उसमें जो नया ब्रेक ऑयल डाला है, क्योंकि पुराना वाला बाहर निकल जाएगा, अभी उसे प्रेशर बनाएंगे, तो ये भर दिया उन्होंने। तो दोस्तों इन्होंने पूरी नई असेंबली लगा दी है, तो अब जो निपल इन्होंने पकड़ रखा है, तो इससे जो पुराना ऑयल है बीच में जमा हुआ ये पूरा बाहर निकालेंगे। तो इससे जो भी इसकी जो ईयर होती है इसको बाहर निकालते हैं और नई वाली इसके अंदर भरता है, जिससे ये पूरा ब्रेक को पकड़ता है। ये दूसरे साइड का वो राइट साइड का हो गया, लेफ्ट साइड का भी कर रहे हैं, इसको भी चेक करेंगे। अगर ये भी ख़राब होगा, मीन से भी घिसिया होगा, तो इसको भी चेंज करेंगे। इसको बोलते हैं जो ब्रेक शूट पैड का जो असेंबली होती है पूरी चेंज हो गई है। तो अभी इन्होंने टायर को निकाल दिया और देखिए चेक कर रहे हैं अभी इस असेंबली सेट को। तो ये दोस्तों कच्ची रोडों पे, खड्डों पे और ज़्यादा झटका जब गाड़ी चलती है या जिस तरह ड्राइवर चलाता है तो इस पर जोर बढ़ जाता है। बाकी गाड़ी के 8-10 साल बाद तो ये शिकायत आ ही जाती है, तकरीबन मेन ड्राइविंग पे होती है कि कौन किस तरह गाड़ी चलाता है। तो आज इसको भी 8-9 साल बाद हम चेंज कर रहे हैं, तो ये काफ़ी आवाज़ करता है, तो अगर इसको चेंज करेंगे तो इसके ब्रेक शूज कटने का पूरा डर होता है, जिससे कि ब्रेक नहीं लगेंगे। तो आप देखिए किस तरह यहाँ पर ये बिल्कुल एडजस्ट करके लगा रहे हैं, तो ये अवेलेबल नहीं था शोरूम में, तो यहाँ मिल गया है। तो आप देखो किस तरह लगा रहे हैं। तो अभी इन्होंने कैलिबर सेट को ये देखिए कस दिया है, और इसके बाद जो निपल्स होते हैं दोस्तों, इसमें जो हमारे ब्रेक पैड से होते हुए जो एक पाइप लाइन आती है, देखिए यहाँ पर, तो अभी इसको एडजस्ट करके पुराना वाला देखो ये निकाल दिया उन्होंने ये सामने। और ये देखो जो पाइप लाइन में जो मतलब ब्रेक ऑयल पुराना वाला था ये पूरा बाहर निकालेंगे। तो अभी इसके बाद वो एडजस्टेबल करेंगे, जैसे कि मतलब भी ब्रेक को दबाएंगे, छोड़ेंगे ब्रेक को दबाएंगे, तो जो गंदा पूरा कचरा इस ब्रेक लाइन में होगा ब्रेक फूट का, तो ये पूरा बाहर निकल जाएगा। तो अभी देखिए जो कस रहे हैं, तो इसे इसकी जो पुरानी एयर है बाहर निकालनी चाहिए, जो पैप में पुरानी हवा और पुरानी ऑयल्स है वो पूरा बाहर निकलना चाहिए। देखिए अभी फिर दिखाएंगे आपको, दबाने बना पूरा, दबाने बना, दबाने बना, दबाने बना, दबा लो। अभी मैंने गाड़ी के कैलिबर सेट चेंज कर दिए हैं, क्योंकि वो 8 साल कंप्लीट के बाद ही चेंज किए, क्योंकि जो नॉर्मल गाड़ियाँ होती हैं, जो सॉफ्ट गाड़ियाँ होती हैं, मतलब इतनी हैवी गाड़ी नहीं होती, तो ये खड्डों पे और वैसे दुर्गम क्षेत्रों में जो थोड़ा मतलब जो ऊबड़ खाबड़ होते हैं, जैसे पत्थर वाले रास्ते, तो उसमें गाड़ी का जो कैलिबर पूरे सॉकर्स होकर हिल जाते हैं, तो जिससे कि ये पूरी इनकी जो पिन होती है तो कभी कभी चेंज कर लेते हैं शोरूम वाले या किसी गैरेज वाले पिन चेंज करते हैं, तो आवाज़ कुछ देर के लिए रुक जाती है, फिर वो किन जब अपनी जगह से थोड़ा हिल जाती है तो फिर ऐसी आवाज़ करने, तो ये आपके लेफ्ट और राइट साइड में आवाज़ शुरू करेगी। तो इस चीज़ को पक्का गौर करना है कि क्यों आवाज़ करेगी। अगर आपको ऐसी शिकायत आती है तो आप पक्का अपनी गाड़ी का ये कैलिबर सेट दिखाइए, अगर आपको बदली करने लायक हो तो आप बदली पक्का कीजिए। बाकी ये नॉर्मल गैरेजों में मिल जाता है, लेकिन कंपनी का जरूर लगाइए, कंपनी का थोड़ा महंगा है तो टिकाऊ ज़रूर रहेगा, लेकिन जो लोकल रहेगा तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बाकी दोस्तों आज गाड़ी का काम भी पूरा हो गया,
और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और बताइए कि इसमें कोई कमी रह गई है, क्या ये सही है करना नहीं करना, तो इसे कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।